नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर में नाइयावाला मोड़ के सामने खाली प्लाट में से महिला का जला हुआ शव हुआ बरामद, नहीं हो पाई पहचान। जालंधर ग्रामीण पुलिस ने भोगपुर में हुई हत्या के मामले को सुलझाया। मास्टरमाइंड को चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से किया गिरफ्तार। डीजीपी पंजाब जालंधर ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का किया निरीक्षण। रेड लाइट जंप करने वाले वाहनों की नंबर प्लेट ट्रेस कर ऑनलाइन कटेगा चालान। अमृतसर के थाना गेट हकीमा के अधीन आते इलाके नाइयावाला मोड़ के सामने बने बी ब्लॉक के खाली प्लाट में दिन दिहाड़े एक महिला की सड़ी हुई लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसीपी जसपाल सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि यहां पर एक लड़की की जली हुई लाश पड़ी है, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे तो देखा कि शव को आग लगी हुई थी, जिसके बाद उन्होंने आग बुझाई, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। फिलहाल लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो पाई है, फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद बनती कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील फोसला की रिपोर्ट। सानू तलाह मिली सी भी कोई लेडी है, उन्हें वो सड़ रही है बी ब्लॉक दे रही है, वो फिर तुरंत असं मौके पर पहुंचे। पहले मेरा चौकी जाच पहुंचा, मैं भी मौके पर पहुंच गया, एस एच ओ साढ़े पहुँच गए ने, तो आगे देखा चौकी जाच ने भी वो सड़ रही थी लेडी, वो तुरंत फिर वो जी अग सी बुझाई गई है, तो वो अद्धा कद सड़ चुकी है। बाकी अभी पोस्टमार्टम करावे, आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्रोपर फोरेंसिक जाँच होगी, उसके बाद जी अगली कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन होगी। नहीं, हाले तक तो नहीं पहचान हुई यदि, बाकी असं सारे एफर्ट्स करेंगे पहचान करने के। इलाका वासी कुछ पता लगा? असं ऐसे जो मौजूद ने मौके पर इन्होंने सारे को पूछा, लेकिन हाले तक किसी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं गी। बाकी असं सारे ढंग टेक्निकली भी सीसीटीवी कैमरे भी देखा, और अपने थाने तो देखा कोई मिसिंग रिपोर्ट हुई हो, किसी घरों कोई लेडी हो सकता लड़के भी गई होंगी। ये करीब करीब सू 8 बजे तो बाद वाक है। सर अग किसी वालों लगाई गई, उन्हें खुद लगाई नहीं, हाले के बारे आप कुछ नहीं कह सकते, तो पता लगेगा ना जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेट हो जाएगा मामला। पोस्टमार्टम कराया जाएगा। लोगों का रस्ता जो कि बंद करता है, जिसके करके इतने किसी ना कोई भी हादसा हो सकता, होर भी हादसे हो सकते हैं। देखो, ये रेलवे की प्रॉपर्टी है, उन्होंने बंद की थी, इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता। जालंधर ग्रामीण पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए सनसनीखेज भोगपुर हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड और उसके दो साथियों को गिरफ्तार किया गया है। एक महीने तक चली गहन जांच के बाद मुख्य आरोपी को दुबई भागने की कोशिश करते हुए चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया। तो वहीं गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अरुण कुमार उर्फ अरु, मनदीप कुमार उर्फ मनी, दोनों निवासी गुरु नानक नगर भोगपुर, और रंजीत कुमार उर्फ काका, निवासी नवी आबादी भोगपुर के रूप में हुई है। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरकमलप्रीत सिंह खख ने बताया कि 22 सितंबर को मोगा गेट भोगपुर के पास जसपाल सिंह उर्फ शालू की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हत्या की योजना बहुत ही सावधानी से बनाई गई और उसे अंजाम दिया गया, जिसमें पीड़ित के सिर में 3 गोलियां मारी गईं। वहीं पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि कई पूर्व टकरावों से उपजी निजी दुश्मनी कारण हत्या की गई। इससे पहले पुलिस टीम ने 3 साथियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उनके कब्जे से एक 32 बोर की पिस्तौल और एक 315 बोर की देसी पिस्तौल बरामद की। पूछताछ के दौरान इन आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्होंने रंजीत कुमार नामक एक प्रवासी जो कि बिहार के मुजफ्फरनगर में रहता है से हथियार खरीदते थे, जो अंतर्राष्ट्रीय हथियार आपूर्ति नेटवर्क चला रहा था। तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने रंजीत कुमार को पकड़ लिया। पुलिस टीम ने हत्या के हथियार सहित 3 32 बोर की पिस्तौलें और 6 जिंदा राउंड भी बरामद किए। अपराध में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल सौरभदीप सिंह उर्फ सौरभ नामक एक व्यक्ति से बरामद हुई।
जो कि हत्या के बाद से सबूत छुपा रहा था। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। पिछले महीने 22 सितंबर को लेट नाइट भोगपुर थाने के एरिए एक सनसनखेज वारदात हुई सी, जिहदे विच जसपाल सिंह एलिया शालू नाम के मुंडे नूं सिर दे विच गोलियां मार के कतल कर दिता गया। सनसेशनल मामला सीगा, दो तीन जिहड़ियां गोलियां उहदे सिर 'च मारियां गईयां सन, मौके ते उहदी मौत हो गई सी। इमीजिएटली इहदे विच एक स्पैशल टीम गठित की गई सी, जिन्हां ने प्रॉम्प्ट कार्रवाई करते तकरीबन 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 3 ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਔਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ 2 ਵੈਪਨ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੰਟਰੀਮੈਨ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਟਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਟਾਈਮਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। LOC ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ SHO ਭੋਗਪੁਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ, ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਏਲੀਅਸ ਆੜੂ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਗਰ ਭੋਗਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਣਬਣ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ ਦੇ 9:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਕੇ DGP ਬਾਰਫ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਮੇਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਕਾ ਦੌਰਾ ਕੀਆ, ਵਾਰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੀ ਤਰਜ਼ ਪਰ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਹਾਈਟੈਕ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮੋਂ ਕਾ ਉਲੰਘਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੋਂ ਪਰ ਕੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੇ ਕਾ ਕਾਮ ਕਰੇਂਗੇ। ਇਨ ਕੈਮਰੋ ਕਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੜਕੋਂ ਪਰ ਨਿਯਮੋਂ ਕਾ ਪਾਲਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਦੁਰਘਟਨਾਓਂ ਕੋ ਕਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਵਹੀਂ DGP ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਇਨ ਕੈਮਰੋ ਸੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਜੰਪ ਕਰਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕੇ ਵਾਹਨੋਂ ਕੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਕੋ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਆਨਲਾਈਨ ਚਾਲਾਨ ਕੱਟਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਇਨ ਕੈਮਰੋ ਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਪਰਾਧੀਓਂ ਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਵੀ ਕੀਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਮੇਂ ਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਗਾ, ਜਿਸਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਦਿਗਧ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। DGP ने इसके पहले थाना रामा मंडी का भी दौरा किया, जहां उन्होंने पुलिस कर्मचारियों से बातचीत की और उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी दी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। इन्हों का मॉडर्न जरा कंट्रोल रूम हैगा, उसको रेनोवेटेड कंट्रोल रूम जरा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हैगा, इस तू एक नवे लैवल ते ले जाके इहदी इंटीग्रेशन जिहड़ी हैगी ओह मैं विजिट किया। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 112 ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਵਾਇਰਲੈਸ, PCR ਡਿਸਪੈਚ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ CCTV ਸਰਵੇਲੈਂਸ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਈਟੈਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਓਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 4 ਜ਼ੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ, ਟਾਈਮ ਸੈਂਸਿਟਿਵ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨ CCTV ਕੈਮਰਾਸ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ CCTV ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਤੋਂ ਇਮੀਜੀਏਟਲੀ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦਾ ਵਾਇਰਲੈਸ ਓਪਰੇਟਰ ਬੈਠਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੀ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
सो प्रिवेंटिव पुलिसिंग वाल फोकस हैगा, नाले जदों क्राइम हो जाता है तो उसकी CCTV तो उसकी रीकंस्ट्रक्शन करके कि जे कोई स्नैचिंग हुई है या कोई होर वारदात हुई है तो वह किड़े बंदे सीगे, उन्हों का हुलिया किवें सीगा, उन्हों का DR की सीगा, उन चीज़ों नू एनालाइज किया जाता है। जदों कोई इंसीडेंट हो जाता है, ट्रैफिक का कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई होर इशू हो गया, तो उस तो बाद जिहड़ा कंट्रोल रूम हैगा वह सिचुएशन नू मैनेज करता है। यह कोशिश करते हैं कि जिहड़ा इंसीडेंट डिटेक्शन दे विच ते जिहड़ा साडा रिएक्शन होंदा है उस दे विच कोई गैप ना हो। तो मैं यह दसदे बहुत खुशी हो रही है कि इस कंट्रोल रूम की फंक्शनिंग तो बाद जिहड़ा शहर दे विच PCR कॉल का रिस्पोंस टाइम 15 मिनट तो घट के हुण 5 मिनट रह गया। विदइन 5 मिनट्स जो तुसीं 112 की कॉल करोगे तो उत्थे पुलिस की PCR वहीकल उत्थे जलंधर दे विच पहुँचूगी। पंजाब के DGP गौरव यादव ने जालंधर पहुंचकर पुलिस थानों की औचक चेकिंग की। DGP गौरव यादव के साथ जालंधर के तमाम बड़े सीनियर अधिकारी भी साथ पहुंचे। DGP गौरव यादव कड़ी सुरक्षा के बीच थाना पहुंचे। गौरव यादव ने जालंधर के आने की जानकारी कुछ मिनट पहले कमिश्नरेट पुलिस को मिली। उनके इस तरह से अचानक आने की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी अलर्ट हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार DGP गौरव यादव सबसे पहले थाना रामा मंडी पहुंचे। थाना में अचानक से DGP के आने पर वहां उपस्थित पुलिस कर्मचारियों के हाथ पांव फूल गए। थाना में मौजूद पुलिस कर्मचारियों से गौरव यादव ने बातचीत की और उन्हें आदेश दिए कि कार्रवाई में किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती जाए। गौरतलब है कि गौरव यादव ने जालंधर से पहले लुधियाना में निरीक्षण किया, जहाँ पर उन्होंने उद्योगपतियों के साथ बैठकर उनसे फीडबैक लिया था और भविष्य में क्राइम पर पूरी तरह काबू पाने की बात की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट हलचल। नगर पंचायत अजनाला की ओर से स्वच्छता की लहर पंदरवाड़ा के तहत अजनाला के अलग अलग बाजारों, सड़कों और गलियों की सफाई मुहिम शुरू की गई, जिसमें कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल की बहू एडवोकेट अमनदीप कौर पहुंची। उनके द्वारा लोगों को शहर की सफाई व्यवस्था सुचारू रखने की अपील की गई। इस अवसर पर एडवोकेट थालीवाल और नगर पंचायत प्रधान जसपाल सिंह ढिल्लो ने कहा कि स्वच्छता के पंदरवाड़े के तहत सफाई अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोगों को संदेश दिया जा सके कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास को स्वच्छ व सुंदर रखें। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस स्वच्छता के पंदरवाड़े के तहत आगे आएँ और अपने आसपास को स्वच्छ रखने के लिए एक दूसरे का सहयोग करें। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील भोसला की रिपोर्ट। नगर पंचायत अजनाला और आम आदमी पार्टी के समूह वलंटियर साथियों के नाल अजनाला शहर के सफाई पंदरवाड़ा जिहड़े आ उहदी शुरुआत की गई है। साढ़े बहुत ही सत्कारयोग इतों के कैबिनेट वजीर सरदार कुलदीप सिंह धारीवाल साहब के दिशा निर्देशों के हेठ अज सारे साथी असी सफाई मुहिम की शुरुआत करने वास्ते अज सारे पहुँचे हैं और शहर की ये एंट्रेंस पॉइंट है जिथों साढ़े छोटी भैन एडवोकेट अमनदीप कौर धालीवाल जी साढ़े दरम्यान पहुँचे ने ता जो इस मुहिम नू शुरुआत करने वास्ते अज साढ़े दरम्यान आए ने और इहदा मंतव की है एक मैसेज देना है कि आओ सारे रल मिल के अपने शहर नू साफ सुथरा और क्लीन एंड ग्रीन बना के दिखाइए। शहर वासियों नू इहो बेनती करांगे, अपील करांगे कि आपो अपना समान जिहड़ा है वह अपने शटर के अंदर ही रखो ता जो आने वाले राहगीर जिहड़े है उन्होंने भी किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए। और दिवाली के मौके के उत्ते मैं सारे शहर वासियों को जिथे मंत्री साहब की तरफों और अपने समुची आम आदमी की टीम की तरफों बधाई देना उत्थे नाल ही आस करदा कि तुसीं भी सारे इस अपने चगिरदे नूं साफ सुथरा रखने विच अहम जिम्मेवारी निभाओ। जालंधर के अधीन नाते बलदेव नगर में पैन कार्ड, लेबर कार्ड बनाए जाने संबंधी और आधार कार्ड में हुई त्रुटियों को ठीक करवाने संबंधी कैंप का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ पूर्व पार्षद बाल किशन बाली ने विशेष रूप से उपस्थित होकर किया। इस दौरान इलाका निवासियों ने बढ़ चढ़ कर इस अवसर पर लाभ उठाया और पूर्व पार्षद बाल किशन बाली का आभार व्यक्त किया। तो वहीं इस दौरान इलाका निवासी सीवरेज जाम की समस्या से भी जूझ रहे थे, जिसके चलते उनकी ओर से नगर निगम में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद बाल किशन बाली के कहने पर नगर निगम के कर्मचारियों ने पहुंचकर सीवरेज की सफाई कर उसे सुचारू रूप से चल रहा, जिसके लिए इलाका वासियों ने उनका आभार भी व्यक्त किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। लेबर कार्ड, आधार कार्ड ठीक होने वाले
ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੋਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜੀਰੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮਹੱਲਾ ਬਲਦੇਵ ਨਗਰ ਕਿਸ਼ਮਪੁਰਾ ਰੋਚਾ ਬਲਦੇਵ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਈ ਸ਼ਰਮ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਮਗੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਮਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਮਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਕੈਂਪ ਖੋਲ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਕੁਟੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੀਵਰ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਲਾਕਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕਾਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਾਈ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਗੱਡੀ ਹਰ ਢੱਕਣ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਵਰ ਖਿਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਓ ਚਾਹੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਆ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੀਵਰ ਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਕੋ ਸਮਰਪਿਤ 70ਵੇਂ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਛੋਟੀ ਬਾਰਾਦਰੀ ਪਿੰਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਗਰਾਊਂਡ ਗੋੜਾ ਰੋਡ ਪਰ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੇਵਕ ਜਥੇ ਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਲੀ, ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜੋਲੀ, ਕਵੀ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁੰਬਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁੰਬਰ ਸਹਿਤ ਅਨਯ ਸੇਵਾਦਾਰੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਏ ਦੀ। ਇਸ ਅਲੌਕਿਕ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਮੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਭਾਈ ਫਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ USA ਵਾਲੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਧੁਰ ਔਰ ਭਾਵਪੂਰਨ ਕੀਰਤਨ ਸੇ ਸੰਗਤ ਕੋ ਮੰਤਰਮੁਗਧ ਕਰ ਦਿਆ। ਇਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਪਾਵਨ ਸਵਰੂਪ ਕੋ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਡਾਲ ਤੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਕੇ ਪਸ਼ਚਾਤ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾਓਂ ਕਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਤੁੱਟ ਲੰਗਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਮੇ ਵਿਤਰਿਤ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਰੋਹ ਮੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁੰਬਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁੰਬਰ, ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜੋਲੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਲੀ, JPVS ਅਰੋੜਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਵਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ, ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਤਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਮਾਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ, ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਔਰ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸੇਵਕ ਦਲ ਕੇ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।
प्रकाश गुरपुरब न समर्पित ये गुरमत समागम करवाए जा रहे ने। आप संगत बड़े प्यार दे नाल, प्रेम दे नाल गुरबाणी कीर्तन सरवण कर रहे हो। जो भगती की गल करिए संगत जीओ सरवण करना भी सुनना भी भगती है, कीर्तन करना भी भगती है। दानिया के पावन बचन ने श्रवण सिमरण कीर्तन पाद सेव अरचान दासा सख प्रबंधना सर्व निवेदन जान। तन सोढ़ी सुल्तान सतगुरु श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी तिन्हां दा पावन जीवन वेखिए वाचिए। सतगुरु महाराज आप दसते ने कि जिहड़े मेरी जिंदगी की शुरुआत है वह शुरू होए सी हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। बचपन दे विच माता पिता अकाल चलाना कर जांदे ने, लोकी कहंदे इह बच्चा जतीम हो गया जी, इहदा पालन पोषण किवें होवेगा। ते नाल ही सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जीआं ने सानू सेध दिंदे होए भाई जिस गुरसिख नू जिस जीव नू गुरु मिल जावे ना गुरु कीड़े नू पातशाह बना देंदा है। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। प्राप्ति गुरु मिलन तो बाद बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे। नौ प्रकार की भगती जिस विच सुनना भी सिमरन करना भी कीर्तन करना भी यह भी भगती है, उत्थे मुठ्ठी चापी करनी भी भगती है मुठ्ठी चापी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। अमृतसर में नाइयावाला मोड़ के सामने खाली प्लाट में से महिला का जला हुआ शव हुआ बरामद, नहीं हो पाई पहचान। जालंधर ग्रामीण पुलिस ने भोगपुर में हुई हत्या के मामले को सुलझाया, मास्टरमाइंड को चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से किया गिरफ्तार। डीजीपी पंजाब चरंद्र ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का किया निरीक्षण, रेड लाइट जंप करने वाले वाहनों की नंबर प्लेट ट्रेस कर ऑनलाइन कटेगा चालान। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।